यूपी के भदोही में रविवार रात पूजा पंडाल में भीषण आग लग गई। भीषण आग में तीनों बच्चों समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 64 लोग झुलस गए हैं, इनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। अभी मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका है। भदोही अग्निकांड की अब भयावह कहानी सामने आने लगी है। अग्निकांड में एक ही परिवार के 6 लोग झुलस गए, इनमें से दादी सहित 2 पोते सुजन व और नवीन की मौत हो गई है। वहीं 3 अन्य सभी अस्पताल में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हादसे के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। पुरुषोत्तमपुर गांव निवासी जय देवी 2 नातियों संग परिवार के 6 सदस्यों के साथ दुर्गा पूजा की आरती देखने पहुंची थी। पूजा पंडाल में रात करीब 9 बजे आरती हो रही थी, तभी अचानक आग लग गई। आग की चपेट में पूरा पंडाल आ गया। आग लगने के बाद पंडाल के अंदर भगदड़ मच गई। घटना के बाद युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। यूपी के सीएम घटना से संबंधित पल पल की अपडेट ले रहे। भदोही पूजा पंडाल में घायलों से मिलने सीएम योगी के दूत के तौर पर अनिल राजभर पहुंचे। मंत्री अनिल राजभर बीएचयू के ट्रामा सेंटर पहुंचकर घायलों की हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। एक एक पत्नी थी, 3 बहू, 4 नातिन, 5 नात। वाइफ की हो गई है और एक एक नाती नवीन कुमार का, एक एक सुजा सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ की कैसे मौत हुई? सिद्धार्थ का एकदम ठीक था भैया, सुबह तक ठीक था। क्या बताएं कैसे हो गया, भगवान कोप गए, नहीं तो एकदम ठीक था। अस्पताल सिद्धार्थ को भर्ती, हाँ, सुई दवाई हुआ, घर लाए और एकदम ठीक था। सुबह भी सुई लगी। परिवार के टोटल कितने? मान से प्रार्थना करते हैं, बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो। कुछ मुआवजा उवजा का भी ऐलान पूछा जाएगा? अभी हमारी प्राथमिकता पूरी तरीके से घायल को ठीक करने में है, उनका बेहतर इलाज हो सके। पूरा प्रशासन, पूरी सरकार इधर ध्यान लगाए हुए है। बाकी कोई चीज़ आप जान ही रहे हैं कि जिन घटनाओं का संज्ञान खुद मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, तो कोई बिंदु बचने वाला नहीं है।